आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बुधवार की शाम यारपुर भनेड़ा उद्धा मार्ग पर हुए एक दर्दनाक हादसे में बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक मासूम बच्चे सहित चार लोगों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर सीओ थाना भवन व पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को भी मामले की सूचना दी, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर SSP अभिषेक भी तुरंत मौके पर पहुंचे तथा हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा भी मौके पर पहुंचे तथा दुर्घटना पर दुख जताया। जानकारी के अनुसार कांदला क्षेत्र के गांव गंगेरू निवासी 32 वर्षीय मुरसलीन पुत्र जमीर अपने 5 वर्षीय भांजे इब्राहिम पुत्र कुदरत के साथ बाइक पर सवार होकर गंगेरू से सहारनपुर जा रहा था। जब मामा भांजा थाना भवन के गाँव यारपुर व भनेड़ा उद्धा के बीच नहर पटरी पर पहुंचे, तभी सामने से तेज गति से आ रहे एक अन्य बाइक सवारों तिरसपाल पुत्र सिंह व उसके भतीजे नीटू उर्फ संदीप पुत्र नाथी निवासीगढ़ गांव ढेकी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर से उनकी आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मासूम इब्राहिम सहित दोनों बाइकों पर सवार चारों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने मामले की सूचना तुरंत थाना भवन पुलिस को दी, जिससे पुलिस में भी हड़कंप मच गया। CO श्रेष्ठा ठाकुर, थाना अध्यक्ष थाना भवन अनिल कुमार सिंह व गढ़ी पुख्ता पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतकों की जेब से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों को मामले की सूचना दी, जिससे परिजनों में भी कोहराम मच गया और वो रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा क्षतिग्रस्त बाइकों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं SSP अभिषेक भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तथा हादसे की जानकारी ली। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे पर गहरा दुख जताते हुए परिजनों को सांत्वना दी। थाना भवन क्षेत्र में यारपुर जगह पर जो नया पटरी पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और चार दो व्यक्ति सहारनपुर के रहने वाले और दो अन्य व्यक्ति शामिल थे कांदा क्षेत्र के रहने वाले। पुलिस द्वारा शव को तत्काल जो है पॉजिटिव निकाल दिया, इसके जो है पोस्टमार्टम तत्काल निकाल बैठा निकाल दिया। सर, एक 5 साल की भी अच्छी बताई जा रही है। इसमें चार व्यक्ति थे, जिसमें कि एक जो है तकरीबन 5-6 खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।